करीब 36 घंटे बाद देश के हर संस्थान, शहर, गांव, गली मोहल्लों में तिरंगा फहराया जाएगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा, भारत माता की जय का उद्घोष होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारत माता के उद्घोष पर जंग छिड़ गई है। पहले उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड ने और फिर यूपी सरकार ने आदेश जारी किया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसों में तिरंगा फहराया जाए, राष्ट्रगान गाया जाए, इसके बाद भारत माता की जय का उद्घोष हो, जिसकी फोटोग्राफी की जाए, वीडियोग्राफी की जाए, जिसके बाद भारत माता पर यूपी में मौलानाओं की महाभारत शुरू हो गई। तिरंगा फहराने या राष्ट्रगान गाने पर उन्हें एतराज नहीं है, लेकिन भारत माता की जय बोलने पर गहरा एतराज है। सवाल इसलिए यह है कि मदरसों पर तुगलकी फरमान है या देश का सम्मान? दूसरा सवाल, मदरसों को भारत माता की जय से परहेज क्यों? तीसरा सवाल, 15 अगस्त पर मदरसों का देशभक्ति टेस्ट क्यों लिया जा रहा है? चौथा सवाल कि मदरसा बोर्ड का फरमान है, उस पर कांग्रेस क्यों परेशान है? और पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, भारत माता की जय पर मदरसों की जंग क्यों छिड़ गई? हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड ने जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उस पर एक ऑर्डर जारी किया है कि 15 अगस्त को झंडारोहण का जो कार्यक्रम होगा उसमें राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय का नारा जरूर लगाया जाएगा, और जो इंस्टीट्यूट इसको फॉलो नहीं करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपकी कोई हैसियत है तो बताइए, वो कहें, हम उनकी किसी बात का जवाब इसे नहीं देंगे कि उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। इस देश के रहने वाले हर जाति धर्म के लोग खुद स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, अब इसके लिए निर्देश जारी करके कुछ लोग श्रेय लेना चाहें तो वो अलग बात है। जो देश के प्रति जो भाव है उसको जांचने के लिए इस तरह की बातें करना, देश प्रेम पर शक करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत है। नहीं, इस देश में सभी संस्थान और हैं, उनको झंडा फहराना ही चाहिए। यह भारत का तिरंगा है, यह भारत के गौरव की बात है, इसे सभी संस्था किसी भी प्रकार के कहीं पे भी हो, उनको भारत का झंडा तिरंगा फहराना ही चाहिए। इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सुनीत चोपड़ा है जो कि नेता है सीपीएम के, लेफ्ट के नेता, स्वागत है सुनीत चोपड़ा। प्रेम शुक्ला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, स्वागत है आपका। जूही सिंह इस वक्त स्टूडियो से मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सैयद वसीम रिजवी अध्यक्ष यूपी शिया वक्फ बोर्ड इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमनिजेश अवस्थी संघ विचारक हमारे साथ मौजूद हैं। हाजिक खां हमारे साथ हैं जो कि महासचिव हैं इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के, आपका भी स्वागत है। वसीम रिजवी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ, आपने लेटर लिखा, निर्देश जारी किया, सर सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? क्योंकि इसी से बहस शुरू हो गई कि आप तो सर्टिफिकेट टेस्ट ले रहे हैं देशभक्ति का। नहीं, सर्टिफिकेट बांटने की बात नहीं है, बात तो यह है कि कट्टरपंथी ज़हनियत से अपने बच्चों को बचाए कैसे। ये बात कहनी इसलिए ज़रूरी पड़ गई कि अगर आप भारत माता की जय का नारे का विरोध ना करते होते, आप हर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में झंडे रोहण के बाद, राष्ट्रीय गान होने के बाद भारत माता की जय का नारा लगाते होते, तो ये बात किसी को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पर यह कोई ना टेस्ट हो रहा है, लेकिन हाँ, मानसिकता ज़रूर पहचानी जा रही है। आप देखिए, जब से हमने ये बात कही कि भारत माता की जय लगाना, तो कोई कहता है साहब इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई कहता नहीं साहब मैं नहीं लगाऊंगा, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों, जहाँ दरार होती है पानी वहीं मरता है, क्यों आप इसका विरोध कर रहे हो? मंशा, हम अपनी मंशा बता दें, शिया वक्फ बोर्ड की मंशा क्या है? शिया वक्फ बोर्ड की मंशा ये है कि वो कट्टरपंथी मुल्लास जिन्होंने इस तरह की बेवजह की बातों को हमारे बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की है कि साहब भारत माता की जय मत लगाना, क्यों इसमें कोई धार्मिक शक नहीं कर रहा हूं, आपने का शक नहीं कर रहा हूं, कोई धार्मिक कारण नहीं है, इस्लाम इसको मना भी नहीं करता। हाजी खान साहब, ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले, ये बात ठीक है, और इनको किसने अथॉरिटी दिया ये भी बात ठीक है, और ये डिबेट भी क्या है सर, ये बात ठीक है। हाजी खान साहब बोल दीजिए ना भारत माता की जय, ऐसी एक चिट्ठी क्या, हजारों चिट्ठियां बंद हो जाएंगे इन सबके मुंह, ये कहने में क्या परहेज? वसीम साहब को
कुछ लेना देना नहीं है, न सर्टिफिकेट बांटना है। नहीं बता दीजिए इनको, कहिए भारत माता की जय। बोलेंगे नहीं भारत माता की जय कहने में शुरू करना चाहिए था भारत माता की जय। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मदरसे में थोपना कोई जरूरी नहीं है। कोई कहता है भारत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान में क्या। वसीम साहब सुन लीजिए, वसीम साहब आपकी अपनी, वसीम साहब चिल्लाने से नहीं होगा। वसीम साहब मेरी बारी है सुनिए, भारत माता। अरे आपको डिबेट करना आती है तो सुनिए मेरी बात। वसीम साहब चिल्लाइए नहीं, अगर वसीम रिजवी को जवाब देने की जरूरत नहीं है किसी को। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमने कहा जवाब दे दीजिए, भारत माता की जय बोल दीजिए। हम देश के सामने रख रहे हैं कि सारे इस मादरे वतन से हमें मोहब्बत है, इस मिट्टी को हम खाली नमस्कार ही नहीं कर रहे बल्कि हम इस मिट्टी पे सजदा करते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज नहीं होगी उसे कोई भी मुसलमान कहने को वसीम साहब तो वसीम जाफर इस्लाम। भारत माता की जय कहने में इतराज में इस्लाम पहले इस्लाम बड़ा है, देश सारे दुनिया के देश बाद में पहले इस्लाम बड़ा है। सब दुनिया भर में भी दुनिया भर में चीन में तो चीनी पढ़ाई जा रही है, चीन में कह दिया नाम भी रखोगे तो हिंदी पढ़ाई है चीन में इस्लाम खतरे में है कि नहीं है। हम इस्लाम खतरे की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इस बात की कि जो हमारे इस्लाम ने इजाजत दी है। इस्लाम ये कहता है कि आप शुक्रवार की छुट्टी कर दो, इस्लाम कहता है शुक्रवार की छुट्टी कर दो, संडे की छुट्टी, और देश का संविधान कहता है कि संडे की छुट्टी करो। आप लोग इतवार की छुट्टी करो मानते हैं, मैं नहीं मालूम आपके पास 15-65 साल से झंडा क्यों नहीं फहराया गया। मेरे को एक बात बताइए, इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश को मादरे वतन कहते हैं, जी मादरे देश की मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इस देश की मिट्टी की जय कहने में किस चीज का परहेज है। हम कह रहे हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, माता की जय कहने में क्या परहेज है सर। मैं क्या कह रहा हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम कह रहे हैं 65 साल से कर रहे हैं, 65 साल से आप वसीम रिजवी शक कर रहे हैं। मैंने आपको वक्त दिया, हाजी खान ठीक है, मैंने आपको वक्त दिया ठीक है। वसीम रिजवी जी एक भारत की माँ, भारत की माँ की जय करे। मादरे वतन हम उसे कहते रहे, आप कहते रहो, हम कह रहे हैं मादरे वतन है वो हमारा। भारत की जीत का नारा ना लगाओ, किसने इस्लाम ने कब मना किया आपको? तुम इस्लाम की वसीम साहब ABCD नहीं जानते, मीर जाफर मीर सादिक मीर कासिम की नस्ल में से। आपको वक्त दे दिया, दिखा रहा हूँ चौस्ती, उसके बाद बाकी 1931 अखबार उर्दू में, भाषा उर्दू, नाम वंदे मातरम, नाम वंदे मातरम। कोई ये नहीं कि आज की खबर वंदे मातरम, वंदे मातरम रहमान ने पूरी दुनिया सुन लिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए ना, अब सुन लीजिए। अखबार का नाम वंदे मातरम, संपादक वंदे मातरम, तमाम कर्मचारी वंदे मातरम, लाहौर से निकलता था अखबार वंदे मातरम, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। जिन लोगों ने वंदे मातरम पे आपत्ति की वो लोग चले गए, संपादक का नाम भी बता, वो लोग चले गए, इस्लाम के नाम होते हैं ना, इनका संपादक भी आपने बताया। मैं संपादक का नाम भी देख के बता दूंगा, इस समय मेरे पास वो नहीं है, लेकिन इसकी उर्दू में, उर्दू में फोटो स्टाफ था, यस था उर्दू में, अप्रैल 1931 में निकल रहा था अखबार वहां से, नहीं था लेकिन प्रेम शुक्ला जी ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि वंदे मातरम जिन लोगों ने कहा कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था, इन्होंने कहा कि हम नहीं गाने देंगे। जिन लोगों ने कहा कि हम नहीं गाने देंगे वो कहां गए, कहां गए, वो पाकिस्तान चले गए। जिन लोगों को वंदे मातरम में आस्था थी वो हिंदुस्तान रह गए। और मैं किसी पे शक नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम आपके इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमें नहीं मोहब्बत, मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि आप वो सब लोग रुक गए जिनको वंदे मातरम से मोहब्बत थी, वो सब लोग यहां पर रुक गए, वो सब लोग उस दिन यहां पर रुके 1947 के बाद, वो सब लोग यहां पर रुके क्योंकि उनको वंदे मातरम पर कोई आपत्ति नहीं थी। वंदे मातरम पर जिसको आपत्ति थी वो चले गए, जिनने वहां पर वो चले गए वहां पर। लेकिन अब राजनीति के कारण कुछ लोगों को लगातार 1947 के बाद डराया जाने लगा, आपको कोई खा लेगा, आपको हिंदू खा लेगा, बहुसंख्यक खा लेगा। ये जो राजनीति है, इस राजनीति ने आप लोगों को एलिनेट कर दिया, अलगाव तो प्रेम कर दिया। प्रेम शुक्ला ये भी तो बचना चाहिए देश के मुसलमानों को, ये भी तो फिर राजनीति हुई। वो कह रहे हैं हम गाएंगे नहीं, आप कह रहे हैं हम गवाएंगे।
मादरे वतन का जय का नारा वंदे मातरम लगाते हैं। एक हाजी साहब जरा दूसरों को भी बोलने दें। जी जी बोलिए। हाजी साहब दूसरों को भी मौका दें। जी जी बिल्कुल बोलिए। देखिए 1947 में ही वंदे मातरम गाने का विरोध, माँ भारती की जय बोलने का विरोध मुस्लिम लीग ने किया था। इसमें कोई जो है छिपा हुआ तथ्य नहीं है। और हम सारे जहां से हिंदुस्तान लिखने वाले भी जो हैं वो मुस्लिम लीग की जो परामर्शदात्री जो मूल संकल्पनाकार थे वो अल्लामा इकबाल थे, इस सत्य से भी कोई इंकार नहीं कर सकता। और बाद में उन्होंने बदला भी अपना। उसके बाद आपने 1947 में जैसे ही देश विभाजित हुआ नवंबर 1947 में लाल किले पर मुस्लिम लीग के द्वारा तिरंगा उतारकर पाकिस्तान झंडा फहराने के षड्यंत्र का पर्दाफाश नवंबर 1947 में और सरदार पटेल जी ने कार्रवाई की। तब से लेके पिछले 71 वर्षों में जानबूझकर अलगाववादियों को पाला पोसा गया है। और जो लोग मां भारती का विरोध करते हुए, वंदे मातरम का विरोध करते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश ले गए, उनको यहां बैठाकर उनकी जहनीयत में पाकिस्तान और बांग्लादेश के समर्थकों ने इस देश में भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है, तिरंगे ध्वज को सलाम करना सांप्रदायिक है, इस देश में राष्ट्रगीत गाना सांप्रदायिक है, इस देश में राष्ट्रगान गाना सांप्रदायिक है, ये इस्लाम के खिलाफ इस तरह का एक झूठा प्रचार किया। इस्लाम में कहीं पर भी इसकी मुखालफत नहीं की गई है। यहाँ पर भी जो हाजी साहब जो बैठे हैं वसीम रिजवी उनसे पूछ रहे हैं कि भैया इसमें कहाँ विरोध है, तो उनको जो है गधा कह रहे हैं, उनको मीर बाकी कह रहे हैं, उनको उनको जो है मीर कासिम कह रहे हैं, उनको मीर जाफर कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि इस्लाम में कहाँ पर किस कारण से भारत माता की जय बोलने का। मेरा सवाल तो ये भी बनता है ना, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि इससे पहले भी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता रहा था। जूही जी, इसका एक सियासी नैरेटिव तो ये लगता है, या तो इससे पहले जो है ना कभी गाया गया, ना किसी ने कहा कि देशभक्ति, या फिर किसी तरीके से जैसे चलता रहा, या फिर आपकी तरफ से जो देशभक्ति का होमवर्क था वो पूरा नहीं किया गया तब इस सरकार को करना पड़ा, या फिर ये सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं था इस कारण से थोपा जा रहा है, यानी कि दोनों तरफ से हो रही है। तभी ले शुक्रवार को देखिए छुट्टी होती रही, इतवार को छुट्टी होती है, तमाम चीजें मिस होती रही वहां पर, और बाकी तमाम चीजें चलती रही। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए वसीम रिजवी जो अपने हर स्टेटमेंट के बाद सरकार से ये कहते कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दे दो, को मैं बताना चाहती हूं कि मदरसों पे ऑलरेडी हर 15 अगस्त को राष्ट्रगान गाया जाता है, उस पे झंडा फहराया जाता है। आप आज अगर कह भी रहे हैं कि चिट्ठी जारी करके कि भारत माता की जय, तो बिल्कुल कहिए। अगर आपको लगता है आप हर इंडिपेंडेंस डे पे, ये आपका तमाशा होता है, ये मैं पिछले 4 साल से देख रही हूं, आप मदरसों पे पहले भी अगर सारे स्कूल सारे संस्थानों पे अगर आप नहीं सेलिब्रेट करते हैं सीधे तौर पर, नहीं होगा, अरे ये बताएंगे आपकी सरकार की हुकूमत में ही मुझे आपने बात लगाते शुरू की, जब इस पे एतराज ही नहीं है तो फिर ये माना जाए तो इंडिविजुअल कुछ मौलाना की सोच होगी। ठीक है, सुनील चोपड़ा, एक सेकंड, जब आपने चर्चा किया आपको भी मालूम है जो है सुनील चोपड़ा का कमेंट अभी बाकी। सुनील चोपड़ा जी, मुझे तो बहुत दुख है ये देख के अपने ही देश के भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं इस चिट्ठी के कारण
और इस आवाज के कारण के आपको ये कहना पड़ेगा या ये नहीं कहना पड़ेगा। सवाल ये है, हम कहेंगे जो हम चाहेंगे, हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं सर, आजाद हम सब आजाद हिंदुस्तान के नागरिक संविधान से बंधे हुए हैं, भारत के टुकड़े हमारे संविधान से आजाद है भैया, आजाद का मतलब ये नहीं कि हम आजाद करने वाले आजाद का कानून है, हम आजाद है लेकिन कानून है, आजाद है लेकिन कानून है, कानून का राज है या आजाद का मतलब यही जंगल राज है कि जो मर्जी आएगा कहेंगे, आप जंगल में आजाद फैलाते हो, चीन में जी हरे राम 50,000 में वही होगा झंडा भी, क्योंकि हम सब उसके बाद कोई नहीं हुआ किसी ने, तो आप ये निकल वाले हिटलर की निकल पैसे देश को क्या बताएंगे, देश इस देश को चीन नहीं बना सकते, इन्हें एक भी देश को तो बता दो, कार्यालय में फोटो लगा लो, अपने दफ्तर में फोटो लगा लो, हमारी भारत माता की जय, इस भगवान इस पर चर्चा है। हाजी खान साहब मेरे को एक बात बताइए, हाजी खान साहब मेरे को एक बात बताइए, देश पहले है संविधान पहले या फिर इस्लाम पहले? हमारे एतवार से इस्लाम पहले है, देश में हमें उसकी देश के कानून के साथ चलना है, और इस्लाम ने जो हमें हुक्म दिया उसके एतबार से उसमें चलना है। इस्लाम पहले, देश पहले नहीं है ना आपके लिए? इस्लाम पहले हम उस पर आस्था रखते हैं कि हम इस्लाम ने हमें पैदा किया, खुदा की उसकी मानेंगे, अब ये बंदों का बनाया हुआ निजाम है वो खुदा का बनाया हुआ निजाम है, नागरिक है ना हम, भारत के नागरिक है, भारत के भारत पहले नहीं, हम भारत के खाने को फॉलो जो है वो भारत की वजह से झंडा बनाया है, भारत की मिट्टी की वजह से है, सुरैया भारत झंडा बनाया, ये झंडा जो फहराया जा रहा है ये इनमें से किसी ने नहीं बनाया, एक मुसलमान हमारी बहन ने भारत माता की जय नहीं कहोगे तो कैसे फिर कैसे राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना है ना अब गूगल मत कीजिएगा, वंदे मातरम बोलते हुए फांसी का फंदा लगा करके देश के लिए शहीद हो गए थे, उनके लिए इस्लाम कह दीजिए भारत माता की जय नारा कह दीजिए, मुसलमान इस्लाम नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, जो मुसलमान थे कह दीजिए भारत माता की जय नारा लगाए मातरम गा रहे थे, हाथ में श्री वंदे मातरम गा रहे थे सर, वंदे मातरम हमको और फांसी पर लटक गया खुदीराम बोस, खुदीराम बोस वंदे मातरम गा रहे थे, इसलिए किया उन्होंने वंदे मातरम गा रहे थे, आजी खान साहब आप कह रहे हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, आप कह रहे हैं इस्लाम पहले है, आप कह रहे हैं अगर शुक्रवार को छुट्टी हो गई, अगर संविधान के हिसाब से आपको सर्कुलर के हिसाब से संडे दी जा रही, कौन सी बात है, तो शुक्रवार ले लो क्या प्रॉब्लम है, अरे सर देश के एतवार के संडे इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दो ना सर, कह दो ये मांग भी उठा दो, इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दो, कह दो इस्लामी राष्ट्र का तो हिंदू राष्ट्र का ये लगा लेना, कह दीजिए ना इस्लामी राष्ट्र का शरिया लागू करवा दो, कह दीजिए कि लागू शरिया होगी, कह दीजिए लागू शरिया होगी,
कह दीजिए लागू शरिया होगी, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। 15 अगस्त है, झंडा फहरा जाता है, हर कोई कहता है भारत माता की जय, लेकिन एक नए फरमान से भारत माता की जय मदरसों में कहा जाए इस पर महाभारत छिड़ी हुई है। ये हमारा अंतिम सेगमेंट है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि एक एक करके मैं सभी के पास जाऊं, तो अगर ओवरलैपिंग ना हो, एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो शायद बढ़िया होगा। वसीम रिजवी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूं। अगर एक वक्त को वसीम रिजवी को मैं अलग भी कर दूं, वसीम रिजवी एक शख्स से ऑब्जेक्शन हो सकता है, किसी को उसकी विचार से ऑब्जेक्शन हो सकता है, ठीक है, यहां पर सरकार भी कह रही है, जूही जी कह रही है होना चाहिए, इससे पहले भी होता रहा, इसमें कौन से, इसमें तो डिबेट ही नहीं होना चाहिए। फिर अगर कोई ये बीच में ले आए कि इस्लाम पहले है, नेशन बाद में है, वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा, भारत माता की जय नहीं होगा, ये किस तरीके की सोच है? देखिए सचिन जी, ये बात जब कही गई कि भारत माता की जय कहनी चाहिए, तो वो लोग सामने आ गए जिनको एतराज है कि उन्हीं ने कहा कि भारत मात, ये डिबेट बिल्कुल नहीं होती अगर कि वो लोग जहरीले लोग सामने ना आते और ये कहने के लिए कि नहीं भारत माता की जय तो नहीं बोलेंगे, तो ये डिबेट की जरूरत ही नहीं थी। अरे भाई आप कहते कि साहब वो तो हर जगह होती है, होगी, आप कौन होते हैं फरमान जारी करने वाले। हाँ, इसीलिए किया कि जहां पर यह जहर घुला हुआ है वो खत्म हो, हमारे बच्चे समझे कि भारत माता की जय कहने में कोई एतराज नहीं है, ना कोई शरई बाउंडेशन है, यह हमारे देश की मोहब्बत का नारा है, हमारे बच्चे अभी लगाएंगे तो जवानी तक ये बात देश प्रेम उनकी नसों में रहेगा और वो इन मुल्लाओं के चक्कर में आके गुमराह नहीं होने पाएंगे। इस्तेमाल करते एक हैं। इस पर दूसरी चीज ये ठीक है, ये भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इनको हक नहीं है तो, किसी मुल्ला को इस तरह की बात कहने का। तो आप कह रहे हैं भारत माता की जय, अरे भाई मुल्ला कहना कोई गाली है भाई, मैंने मुल्ला जब आज आए कुछ पे तो आवाज हमें देना, हर गाली पे हम बातें वतन कह तो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप उसको हिंदी में भारत माँ क्या माता कह रहे हैं, हम मादरे वतन कह रहे हैं, आपको भाषा से दिक्कत है, आपको भाषा से दिक्कत है, आपको मादरे वतन कह रहे हैं, भारत माता कोई उर्दू में मादरे वतन कहते हैं, हम मादरे वतन कह रहे हैं, भाषा से दिक्कत है, हमने कहा है हिंदुस्तान, भाषा से दिक्कत है, मैं ये कह रहा हूं, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, हाजी खान आपको पहले कहा कि हटा दीजिए, हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, हटा दिया, मुझे लॉजिकल बता दीजिए, आप कह रहे हैं मादरे वतन, मैं कह रहा हूँ भारत की माँ है ना, भारत माता, जिसे मैं भारत माता कहता हूँ, आप कहते हैं मादरे वतन, ठीक है, जैसे इस्लाम कैसे हर्ट हो जाता है ये मेरे को बता दीजिए। फतवा उलमा से लेने मुझको हक नहीं है ये फतवा देने, वसीम साहब तो सारी शरीयत के मालिक हुए चले जा रहे हैं, मैं नहीं हूं फतवा दे सकता, फतवे का आलिम हूं, जैसे इस्लाम के सेंटीमेंट हर्ट कैसे हो जाएंगे, मैं ये लैंग्वेज का भद इनको पहले भद लैंग्वेज का इस्तेमाल, वसीम रिजवी जी की आवाज नहीं जाए, वसीम रिजवी जी की आवाज नहीं जाए, भद लैंग्वेज है, माफी चाहता हूं आपकी आवाज, माफी चाहता हूं, एक सेकंड आपकी आवाज साइलेंट करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हादी खान साहब को सिर्फ पॉइंटेड क्वेश्चन कर रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा 20 सेकंड में सवाल, वो कह रहे हैं मादरे वतन, मैं कह रहा हूं भारत माता, भारत यानी कि मेरा मुल्क, भारत माता की जय, ये कह रहे हैं जय नहीं बोलूंगा, इस्लाम से कैसे सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है ये मुझे कन्वे कर दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम कहते रहे हिंदुस्तान तेरी अजमत पे हम निसार, नहीं मैं जय मुल्क को वतन से दूर हो हाजिर खान पेशार, जमहूरियत के फूल खिलाए तेरी बहार, आइंदा साल तुझको कहें अमन की पर, बहुत अच्छा, इन्होंने किसी ने कहा बताओ, हमने कहा, नहीं एक और मेरा शेर है, एक और कह रहा हूं, नहीं 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 सवाल नहीं समझे, मैं कह रहा हूं जैसे इस्लाम कैसे हर्ट हो रहा है भाई, ये इस पे फतवा उलमा से लेने मुझको ये हक नहीं है, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मुझे फतवा देने का हक नहीं है, छोटा सा सवाल, ठीक है अवनी जी शवाद जी, फिर प्रेम शुक्ला, जिस चीज के लिए कोई आलिम नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, नेशनल टेलीविजन पे आके कैसे कह सकता है कि भारत माता की जय किसी को नहीं कहना चाहिए, अवनी जी शवाद जी, ठीक है, हाजी साहब हो गया, हाजी साहब एक छोटा सा सवाल आपसे, आप कोई इस्लाम मतावलंबी अगर पुलिस में भर्ती होता है तो वो पजामा पहनता है या पैंट पहनता है? पैंट पहनेगा, पैंट पहनेगा ना, तो इसको आपको घर के भीतर नहीं, जो स्कूल है, जिस मदरसा है, जिसको जो सरकार चलाती है, उस सरकार में, उस मदरसे में भारत के संविधान के हिसाब से चुनी हुई सरकार का मोबाइल आराम नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा, आराम नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर तो इस्लाम का सेंटर चलना चाहिए ना, ऐसे हट हो रहा है, चलना चाहिए ना, आप वहां पर आप सेना में जाएंगे, आप सेना में जाएंगे तो गोल टोपी नहीं पहनेंगे, सेना की टोपी पहनेंगे, वहां पर उससे इस्लाम कभी आपका नहीं होता, आप स्कूल में भर्ती हो रहे हैं, आपका बच्चा मदरसा में भर्ती हो रहा है, सरकार के पैसे से टैक्स पेयर से चल रहा है, वहां पर आप भारत माता की जय कहिए, घर पर आप मादरे वतन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेसर हैं, देखिए आप प्रोफेसर, मैं तभी ले प्रेम शुक्ला,
आप भी एडिटर रहे हैं, मैं तभी इसको थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिबेट बनाना चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था जो मैसेज कन्वे हो रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आदि खान साहब बैठे हैं कि वही सारा मुसलमान है, वही सारा तब्का है, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से ये चीज कन्वे होती है कि मेरे दोस्त नहीं, ये चीज कन्वे होती है, मैं ऐसे हजारों दोस्तों को जानता हूँ, ऐसे मेरे सैकड़ों दोस्त हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं, भारत माता की जय कहते हैं। सर वो इनसे ज्यादा मुसलमान तो नहीं हो सकते, मैं आपको बताऊं, और बहुत ऐसे ही पक्के पांच टाइम के नमाजी हैं, उनका सेंटीमेंट हर्ट नहीं होता। मैंने सिर्फ इनसे पूछा, मैंने सिर्फ इनसे पूछा अशफाकुल्ला खान बिस्मिल्ला तो उसके वक्त ये कहते हैं 20 सेकंड का तर्क नहीं पाए, मेरे पास इतना आलिम नहीं है। प्रेम शुक्ला 20 सेकंड फिर क्या नरेटिव की बात है, ये आप आलिम नहीं हो, फतवे की बात है, जानकार हूँ लेकिन फतवा नहीं दे सकता मैं। सचिन जी देखिए ऐसा है, फतवा भी तो राय देखिए रहमान AR रहमान साहब ने वंदे मातरम का तिरंगा ध्वज लेकर उसका बोल निगम का सर कलम करने का किसी का तो AR रहमान साहब ने भी हाजी साहब से वो सर हमने होगी वो भी डिबेट होगी, मुसलमान है या कम मुसलमान है इस तरह का कोई फतवा मेरी नजर में नहीं आया। सुनिए आप उर्दू में कह रहे हैं जो किया है, भारत माता जो है उसी का आधुनिक आप ही कह रहे हैं, तो कल क्या इस्लाम में सिर्फ अरबी बोलेंगे? अच्छा लगा इस्लाम में अगर कोई मुसलमान हिंदी बोलेगा आपको अच्छा हिंदी नहीं हिंदी लगा? बोल सकता कि नहीं तो बोल सकता करेंगे। अब इस्लाम में जो है हिंदी बोलने पर भी मुल्ला फतवा ला देगा, इस्लाम में मुसलमान जो है और पैगंबर मोहम्मद साहब का जो इस्लाम है वो तो ज्ञान की पूजा करने वाला इस्लाम है, वो तो ये कहता है पैगंबर मोहम्मद साहब का लॉजिकल थोपना बिल्कुल नहीं चाहिए, आपके साथ खड़ा हूं, कोई फरमान नहीं होना चाहिए, आपके साथ खड़ा हूं। देखिए मैं आपके साथ, सुनील चोपड़ा मेरा सवाल सुनिए, फरमान नहीं होना चाहिए, आपके साथ खड़ा हूं, कोई थोपा नहीं जाना चाहिए, आपके साथ खड़ा हूं। किसी की देशभक्ति का सर्टिफिकेट कोई नहीं जारी कर सकता है, किसी सरकार में दम नहीं है, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं। कोई मुसलमान मुझसे छोटा देशभक्त नहीं है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या भारत माता की जय कहना गलत है? कोई उससे ऑब्जेक्शन करे, क्या ये ठीक है? सुनील चोपड़ा एक इंडियन के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं। वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप थोप रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं थोपा, बाप ने किसी के हिंदुस्तान को आजाद मैं किया कह रहा हूँ मैं नहीं थोप रहा, जूही सिंह को फिर भी नहीं कह रहे हैं तो बताइए। सब लड़े थे, सब गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, ज्यादातर मुसलमान आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही हूँ, यही तो बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस पर कोई कौन रिफ्यूज कर रहा है? मतलब वसीम रिजवी को इतनी प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लॉजिकल रिक्रूटमेंट पे बात करेंगे तो अभी तो एक मौलाना साहब थे वो तो ये कह रहे थे कि बच्चे तो कुदरत से आते हैं, वो तो आते ही चले जाते हैं। सर आपको तो मैं कहीं नहीं रहा, मैं तो वसीम रिजवी से बात कर रही हूं, मौलवी उनको समझा रहे हैं। कौन वसीम रिजवी? आप तो चुप ही रहिए, थोड़ा सिक्योरिटी के घेरे से बाहर निकलिए और अपनी इंक्वायरी करवाइए और जमीन कब्जा कम करिए। आउट करिए इसको, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वसीम रिजवी हर इंडिपेंडेंस डे पे एक नया तमाशा पिछले साल भी किए थे, लेकिन आप उनको भी तो एड्रेस कीजिए ना, वो जो कह रहे हैं आप उन मदरसों को एड्रेस कर सकती हूँ, आप कहिए इसमें कोई गलत नहीं है, आप कहिए इसमें कोई गलत नहीं है, मैं कहूंगा बिल्कुल उनको थोपना नहीं चाहिए। गाया जाता है, मैं मदरसों में खुद जाती हूं, मैं कहां इसको एड्रेस नहीं कर रही हूं। अगर आप कह रहे हैं कि कहीं फ्राइडे की छुट्टी हो जाती है, जरूर कहीं ना कहीं हो जाती होगी, तो उसको मना कर दीजिए। सर ये भी डिबेट हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी डिबेट हो चुका है, इसको आप भी वसीम रिजवी के सर पर मत गिरिए, थोड़ी अपनी इज्जत रखिए। फहराते आए हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, अगर इस बार क्या अगर हम उसको फिल्म भी कर लेंगे तो क्या एक हल्का सा पानी पीते हैं, आप कहते हैं व्हाट्सएप है ना, वो भी डाल देते होंगे स्टेटस, इस्लाम में जायज है ये? देखिए अगर वो कर रहे हैं तो उसका जवाब उनसे होगा, को मेरे तो होगा नहीं, लेकिन हम चाहे किसी भी दीन के और जुबान के हैं, दुनिया मगर ये जान ले कि हम हिंदुस्तान के हैं, ये आप ध्यान रहे, चाहे हम जो भारत माता की जय भारत माता की जय ना कहें जो लोग, उससे कोई हिंदुस्तानियत में उसके कोई फर्क नहीं आता, ये एक आदमी की पर्सनल मर्जी होती है कि उसको कहे ना कहे, लेकिन कोई सरकार का दबाव किसी हुक्मरान का दबाव ऐसे से कोई नहीं, कोई कहता ये दिल से होती है उसकी मादर वतन हमें एक प्यार है। आपकी बात कर रहा हूँ, मैं सारी डिबेट एक बार फिर से पलट दूंगा, मैं टोटल ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत आपने फरमान जारी किया, बिल्कुल वो नहीं होगा, कोई दबाव नहीं है मौलाना आप पे, बोल दीजिए भारत माता की जय। भारत माता की जय तमाम लोग बोल रहे हैं, हमें क्या परेशानी है उससे भाई,
उसमें हमें भी कोई परेशानी थोड़ी है। नहीं तमाम लोग नहीं, मैं आपकी आप रिप्रेजेंट। अरे भाई आप कह रहे हैं मदरसों में बोली जा रही है तो हम क्यों उसमें आप चाहते हैं मदरसों के अंदर क्या उसको पढ़ाई में रख दिया जाए? भाई मदरसों में बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं? आपकी बात मैंने कहते भारत माता की, तमाम लोग क्या कह रहे हैं? अगर उसमें आप भी जय कर दीजिए। अरे जय भाई जब ये जय की बात हमने कही जय हो रही तो रही है भारत, हम मातरे वतन की जय कर रहे हैं, आप भारत माता की जय कर रहे हैं, दोनों अपने लेकिन आप जबरदस्ती थोपेंगे तो नहीं। बगैर थोपे कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ आप कह रहे हैं सैकड़ों मदरसों में कहा जा रहा है राष्ट्रीय गान। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आरएसएस ने 65 साल से झंडा क्यों नहीं फहराया अपने उस पे? किसने कहा आपको? पूरे हिंदुस्तान ने कहा, तमाम टीवी डिबेट देखा, आरएसएस का रोना आप लोग रहे, सियासी पार्टियों का रोना रोते हैं। ये सुनील चोपड़ा बैठे हैं आज, अभी यहाँ से निकल करके अजय भवन जाइएगा आप तो, अरे आप पे वहाँ पे लाल झंडा लगा हुआ है, आप जूही सिंह की पार्टी के दफ्तर में कौन सा झंडा लगता है? आपकी पार्टी का दफ्तर मशवरे में आप अपनी पार्टी लगाती तिरंगा लगाती है? तिरंगा लगाते हैं लाल टोपी लगा के विभाजन नहीं करेंगे तो सरकारी संपत्ति चोरी करके ले जाने वाले, सरकारी संपत्ति चोरी करके ले जाने वाले आज कह रहे हमको शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए क्योंकि आप न्याय गिरफ्त स्तर के। अरे सरकारी संपत्ति बंगले से चोरी करके ले जाने वाले बिल्कुल महाचोर है, बिल्कुल महाचोर है। आपके पास जवाब नहीं होता है तो आप मौलाना साहब जाते जाते कहिए कि कोई दबाव नहीं है, तमाम मदरसे अगर चाहे तो भारत माता की जय बोले। ये उनकी अपना पर्सनल मामला है, हम उसमें हुक्मरानी या हुक्म देने वाले, वो अपने फहराएं तो उनकी मर्जी, नहीं फहराएं तो उनकी मर्जी, लेकिन हम हुक्म नहीं दे सकते ना कोई और दे सकता। अब ये भी कह रहे नहीं फहराएं तो भी मर्जी, उनकी मर्जी है, हमारा फतवा नहीं है। आप डिसाइड कर लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए, मैंने आपको बताया क्या सोच है, ये क्या सोच है, क्या बात हो रही है, क्या बातें हो रही है। जब तर्क पूछा गया सिर्फ 20 सेकंड के लिए, जिसके ऊपर पूरी डिबेट हुई कि मुझे भारत माता की जय पे एतराज है, जय पे क्या एतराज है साहब, वहां से इस्लामिक सेंटीमेंट कैसे हट हो गया, वो जवाब नहीं था। ये रियलिटी आपको जाननी चाहिए, भारत माता की जय।